आप सब लोग? हमने जमात तीसरी में बच्चों को तकसीम शुरू किया था समझाना कि तकसीम क्या होता है। हमने वहां पर बच्चों को तीन मतलब बताए थे तकसीम के अलग अलग। अब हम यहाँ पर जमात चारों का जो तकसीम हिस्सा एक है, इसमें हम बच्चों को अब तकसीम का अमल करवाएंगे। हम यहाँ पर बच्चों को समझाएंगे कि जो जरब और तकसीम, इन दोनों का आपस में बहामी ताल्लुक क्या है, उसे किस तरह से हमें समझना है और उसको हल करना है, ये हम यहाँ पर बच्चों को समझाएंगे। दूसरी बात जो हमें यहाँ पर बच्चों को खुसूसी तौर पर समझानी है कि किस तरह से एक हिंसी अदद से तकसीम किया जाता है। तकसीम के अज्जा वो पहले भी जान चुके हैं, मकसूम, मकसूम अलैह, खर्ज, किस्मत, बाकी, ये चीजें हमको फिर से उनको दोहरानी है और उनके जहन नशीन करवानी है, उनको समझानी है कि वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जो तकसीम का अमल आता है उसको इस्तेमाल भी कर सके और समझ भी सके, ताकि बच्चों की ना सिर्फ यहाँ पर इल्मी या जहनी तरक्की हो बल्कि NEP 2020 के मुताबिक उनकी मजमूई तरक्की यहाँ पर हम मद्देनजर रखेंगे। और तकसीम का जो अमल है हमें एक तरह से मसावात सिखाता है, तो ये भी बच्चों के अंदर हमें खदर को लाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे और जो हिंसों की खूबसूरती है वो भी हम यहाँ पर बच्चों को समझाएंगे, ताकि बच्चे तकसीम को अच्छे से समझ सके और उसका इस्तेमाल कर सके। हम बच्चों को ये सबक खेल खेल में और तजुर्बे के जरिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके सरगर्मियां करके उन्हें समझाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं जमात चारों का ये सबक तकसीम हिस्सा एक मेरे साथ। शुक्रिया।